सिंगरौली नगर पालिका द्वारा अतिक्रमकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम आयुक्त डी के शर्मा ने अतिक्रमण करने वालों से साफ कहा है कि अगर आगे से अतिक्रमण किया गया तो सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। सिंगरौली नगर पालिका आयुक्त डी के शर्मा ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में नगर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। निगम आयुक्त ने नगर की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए घर घर कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियां सभी वार्डों में समय पर पहुंचे और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त शर्मा ने निगम द्वारा निजी जगहों से अतिक्रमण हटाया था उन जगहों पर अमले के साथ पहुंचकर जायजा लिया। जिन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था उन्हें समझाइश देते हुए सामान हटवाया। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि इस मुहिम को आगे भी जारी रखा जाएगा, इसलिए सभी से मिलकर नगर निगम का सहयोग करें जिससे शहर साफ और स्वच्छ बना रहे। नगर में जो मुख्य मार्ग है उन पर सार्वजनिक रोड के ऊपर या फुटपाथ के ऊपर जहां पब्लिक का ज्यादा आवागमन होता है वहां दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानें बढ़ा करके अतिक्रमण किया गया है। उस अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए जो होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं अपना सामान रोड के ऊपर या फुटपाथ के ऊपर रखा गया है, जिसके कारण की आम जनता के आवागमन में दिक्कत होती है, उस अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए आज हमारी नगर निगम की टीम के द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ में अतिक्रमण हटाने की एक कार्यवाही जारी की गई है और ये कार्यवाही हम आगे भी पूरे शहर में ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए जारी रख रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।